दोस्तों आज हमारे गांव में भी सांसद संगम लाल जी का यहां पर प्रतिनिधि मंडल आया हुआ, पूरा जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं सांसद जी क्षेत्र में नहीं निकले हैं, तो उनके भाई साहब बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। सांसद समझिए दो प्रकार के यहाँ पर हैं, एक फील्ड में निकलते हैं और जो काम करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिनिधि मंडल सांसद जी का आया हुआ है, आइए इनसे जानते हैं क्या तैयारी चल रही है और प्रतापगढ़ में क्या माहौल है। सर स्वागत है आपका, आज रखा बाजार में आप आए हैं, स्वागत है आपका जी। तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है जो है, और चुनाव बिल्कुल एकदम स्पष्ट और साफ है एक तरीके से। चुनाव भारी मतों से जो है संगमलाल जी जीत रहे हैं जी, और चुनाव में औपचारिकता मात्र बची है जो है, बाकी हम लोग अपने तरीके से जो है अपना प्रचार कर रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं जो है और जनता के बीच में आए जी। सांसद के जो भाई साहब हैं जी जी, ये साहब हमेशा क्षेत्र में जाते रहे, कई टूर्नामेंटों में भी देखा है, तो क्या इससे वो पूर्ति हो जाती है जो सांसद जी को लोग कहते हैं क्षेत्र में नहीं निकले हैं, तो उनकी जगह ये निकलते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सांसद जी तो क्षेत्र में आते ही आते हैं जी। अब क्षेत्र बड़ा है तो मतलब कि दिल्ली से लेके यहाँ तक आना जाना, और दिनेश जी हैं जो सांसद जी के भाई हैं, वो लगातार जो है सारे कार्यक्रमों में जो है, और मतलब प्रतापगढ़ का जितना भी क्षेत्र है जो है वो लगातार 24 घंटे आने जाने का काम, सबके यहाँ आने जाने का काम करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी वो मतलब कि रखा बाजार में, और लगातार आप देखेंगे तो मतलब आप उनको घर पे नहीं पाएंगे जो है, लगातार जनता के बीच में ही आप मतलब उनको देखेंगे। 25 तारीख को इलेक्शन है, कितनी बड़ी तैयारी चल रही है और कहाँ कहाँ आज आप जा रहे हैं? आज हम लोग जो है निकले हैं रखा बाजार, रखा बाजार के बाद ये पूरा पट्टी एरिया केरा मिल, हम आज हम लोग पूरा कवर करेंगे जो है। अच्छा। और बाकी कल माननीय गृह मंत्री जी की जनसभा है यहाँ पे, तो उसकी भी तैयारी हम लोग देख रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी कहाँ पे आ रहे हैं? सदहा में आ रहे हैं, सदहा में कल अमित शाह जी का यहाँ पे एक कार्यक्रम लगा है। अच्छा, कितने बड़े बड़े लीडर्स आप बुलवा चुके हैं अभी तक, क्या उनके बारे में बताएं कुछ? नहीं, जो लीडर्स हैं जो है वो आ रहे हैं जी, तो आई हाँ मोदी जी, प्रतापगढ़ तो प्रतापगढ़ की धरती का सौभाग्य है कि प्रतापगढ़ के जिले में भारत का जो मतलब एक टॉप लीडरशिप है जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जी। चाहे मोदी जी को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, एक मतलब कि लंबा कारवा जो है बड़े बड़े नेताओं का इस प्रतापगढ़ में जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपकी बार कितने लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए भैया। कम से कम 2 लाख, 2 लाख वोटों से पिछली बार से बड़ी जीत होने की संभावना है, और 400 पार भी हो रहा है। 400 पार तो ऐसे होगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज में कुछ ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग, नहीं तो कहने की बातें हैं, राजनीति है, साथी है, हम लोग भी ठाकुर ब्राह्मण ही हैं, साथी हैं। अब आप नाम पूछेंगे तो सब ठाकुर हैं जो है, और इसके बाद वो ब्राह्मण है जी, यादव हैं, तो अफवाहें उड़ाई जाती हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही है विपक्षियों के द्वारा। आप क्षेत्र में गए होंगे तो आपको सब कुछ पता ही होगा। हाँ बिल्कुल, क्षेत्र अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अभी कितनी गाड़ियों का काफिला पीछे है? 50 गाड़ियों का। अच्छा, 50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, 50 गाड़ियों का काफिला इनके साथ निरंतर चल रहा है, निरंतर प्रयास है। 100 गाड़ियों लगभग नेता चल रहे हैं, नेता ही चल रहे हैं, तो प्रचार पूरे जोरों शोर से चल रहा है। तो आपका ही दल चल रहा है कि कई और ऐसे बटे हुए हैं? मैं नहीं, बटे हुए हैं क्षेत्र में, लगे हुए हैं पूरी टीमें, कई टीमें बटी हैं। अच्छा, हमारी कई टीमें गठित की गई हैं, स्तर पर अपनी जगह काम कर रहे हैं सब। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पूरे दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी इस बार 400 प्लस का नारा जो है उसको पूरी तरह पूरा करने में लगी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा बाजार में सांसद प्रतिनिधि का यहाँ पर एक बेहतरीन दौरा, और आप देख रहे हैं सांसद के भाई दिनेश जी पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं और वो जनता के बीच में जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के मीडिया प्रभारी और प्रधान जी भी पीछे बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं क्या इस बार तैयारी है और कितने वोटर संगमलाल जीत रहे हैं इस बार। संगमलाल पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे और इस बार भी माहौल वही है, उससे भी ज़्यादा टाइट माहौल है। माहौल में कोई कमी नहीं है, जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग जनता का अपार प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है जी, और जीत तय है, कोई रोक नहीं पाएगा, कमल खिलेगा प्रतापगढ़ में, और 400 में एक सीट हमारी भी रहेगी।
माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतापगढ़ में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं जी, तो कल की रैली जो है इसके बारे में बताइए, अमित शाह जो आने वाले हैं। कल की रैली बहुत ही कार्यकर्ताओं में और भाजपा समर्थकों में जो भाजपा के समर्थक हैं और बड़ा उत्साह है लोगों में, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, जन सैलाब रहेगा। कल की रैली में हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हम लोगों में, हम समर्थकों में बहुत ही उत्साहित हैं उनका मार्गदर्शन पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। हम लोग पूरी तैयारी से, पूरे जोर शोर से जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उसका पालन होगा। थैंक यू सर, और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कहने के लिए बहुत कुछ है, एक कहना यही है कि सभी प्रतापगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने घरों से निकल करके वोट करें। वोट अगर घरों में 5 वोट है तो 5 के 5 निकल के अपने घरों से वोट करें सभी भाइयों से, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों में क्या होता है कि हमारी माताएं बहनें घरों से बहुत कम निकल पाती हैं वोट करने के लिए, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो हम आप सभी से, सभी हिंदू भाइयों से, हिंदू समाज के लोगों से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस बार आप लोग अपना वोट प्रभु श्री राम के चरणों में कीजिए। और बस इतना ही कहना है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकल कर वोट करें, एक भी वोट छूटने ना पाए, क्योंकि एक वोट, एक एक वोट की कीमत है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी तभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ समझो हमारी नुकसान हुई। तो हम सभी हिंदू भाइयों से, सभी हिंदू समाज के लोगों से विनम्र आग्रह करते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकल कर अपने घरों से वोट करें। जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा घर है और देख रहे हैं सभी गाड़ियाँ हमारे घर के सामने ही रुकी हुई हैं, और यहाँ से सांसद जी के प्रतिनिधि, यहाँ पर देख रहे हैं हमारे प्रधान जी भी पूरी तरह से मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू सर। दिनेश भैया कहाँ हैं?
ऊपर रोल और आपको लगता है कि सांसद जी क्षेत्र में नहीं जाते? सांसद जी के भाई साहब काफी सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में, कई जगहों पर प्रतियोगिताओं में भी इनको देखा गया है। जय श्री राम। मोदी जी की रैली भी है, ज्यादा से ज्यादा जो है। जय श्री राम। सांसद जी के छोटे भाई हैं, इस कर्तव्य में नहीं चलाएंगे।
बाबा है पूर्णिया नहीं बिस्तर में भगवान से मिले नहीं का आशीर्वाद नहीं कमल का फूल आ चाचा नेताजी दो बाइट दे देते फिर इसके बाद ऐसे आप निकल जाते क्या अपील कर रहे हैं जनता से जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और देश को आगे तरक्की पे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें ठीक है धन्यवाद एक सांसद प्रतिनिधि होकर इतना मेहनत करना दोस्तों धूप में दौड़ना एसी में रहने वाले लोग इतना धूप संगम भैया तिरे आज भैया चंचल गुप्ता सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार अब यहाँ पर रखा बाजार में प्रचार कर चुके हैं नेताजी और शिव बाबू गुप्ता के यहाँ जलपान का कार्यक्रम है इनका यहाँ पर देखिए